नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव, आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। दोस्तों, अगर आप गूगल साइट पे वेबसाइट बनाते हो, अब आपको पता करना है कि अगर आपकी वेबसाइट पे कितने ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, कितने लोग विजिट कर रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, डेली का ट्रैफिक कितना आ रहा है, और आपको पता नहीं कि यार ये चीज़ हम कैसे पता करेंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँ। आपको गूगल एनालिटिक्स पे आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा उसी ईमेल आईडी से जिस ईमेल आईडी से आपका गूगल साइट्स पे अकाउंट है। तो सेम जीमेल से आपको गूगल एनालिटिक्स ओपन कर लेना है, और एनालिटिक्स ओपन करने के बाद आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। वो सेटिंग्स करने के बाद आपका जो गूगल साइट्स का जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने लोग डेली व्यू विजिट कर रहे हैं वेबसाइट पे, वो आप सब चीज़ें गूगल एनालिटिक्स में चेक कर सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो थोड़ा अगर लंबा बन जाए तो प्लीज़ माइंड मत करना, आप लोग वीडियो पूरा देख लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल ये बेनिफिट वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यार, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से गूगल एनालिटिक्स की मदद से आप अपने गूगल साइट्स की वेबसाइट का ट्रैफिक चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना गूगल साइट ओपन कर रखा है, यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट बना रखी है और इस वेबसाइट का हम ट्रैफिक चेक करेंगे। इस वेबसाइट पे कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है, इसको हमने पब्लिश कर रखा है, तो इसका हम ट्रैफिक चेक करेंगे। तो किस प्रकार से ट्रैफिक चेक करना है, तो इसके लिए हमें गूगल एनालिटिक्स ओपन करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, गूगल एनालिटिक्स, आपको सर्च कर लेना है, सेम ईमेल से आपको एनालिटिक्स ओपन करना है। तो मैं तो हालांकि ऑलरेडी अपना अकाउंट रजिस्टर कर रखा हूँ। जब आप पहली बार गूगल एनालिटिक्स ओपन करेंगे तब आपको सिंपली एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, ओके यस वगैरह, कोई बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो अभी आपको करना क्या है, आपको नीचे एडमिन दिखाई देगा सेटिंग में, ये जो सेटिंग है ना, सेटिंग पे आपको एडमिन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे ऊपर, अकाउंट के लिए क्रिएट अकाउंट आएगा और ये प्रॉपर्टी के लिए। अगर आप ऑलरेडी एक वेबसाइट आप गूगल एनालिटिक्स में ट्रैफिक के लिए डाल चुके हो तो आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक करना पड़ेगा दूसरी तीसरी चौथी वेबसाइट के लिए। तो अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इतना इतना देखने को मिलेगा, इस तरफ का हिस्सा देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा इस तरफ का हिस्सा इसीलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी तीन वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से ट्रैक कर रहा हूँ। तो अगर मैं कोई चौथी वेबसाइट ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे यहीं पर क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट प्रॉपर्टी। तो हमने क्रिएट प्रॉपर्टी पर क्लिक कर दिया है। आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम डाल सकते हैं, कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जिस नाम से आपकी वेबसाइट है वो भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ट्रायल डाल लेते हैं, यहाँ पे आपको इंडिया चूज कर लेनी है। ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, और यहाँ पे इंडिया डाल दिया, आपका ऑटोमेटिक टाइम जोन आ जाएगा। करेंसी में इंडिया डाल देना, INR डाल देना आपको, उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे 1 to 10 एम्प्लॉय सेट कर देना है, और यहाँ पे इंक्रीज माई, दो तीन आप यहाँ से ऑप्शन कोई भी चूज कर सकते हैं, ये कोई इतना ज्यादा मैंडेटरी है नहीं। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपको वेब पे क्लिक करना पड़ेगा, और वेब पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना वेबसाइट का URL डालना है। ठीक है, तो वेबसाइट का URL हम कहाँ से कॉपी करेंगे, दोबारा से गूगल साइट पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट को हम पहले पब्लिश कर देते हैं, व्यू पब्लिश्ड साइट पे ओपन कर लेते हैं और इसका ऊपर से URL कॉपी कर लेते हैं। अब दोबारा से एनालिटिक्स में जाएंगे, यहाँ पे जो हमने URL कॉपी किया था उसे पेस्ट कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है हमें HTTP/ और दो बार कॉलन है उसको हटा देना है, क्योंकि ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है स्टार्टिंग में, इसको हमने हटा दिया है। और हमारा जो स्ट्रीम का नाम है इसको भी हम ट्रायल रख लेंगे, यहां पे हमने ट्रायल डाल दिया है। अब हमें कर देना है क्रिएट स्ट्रीम, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। अब यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मेजरमेंट आईडी आपको मिल जाएगी, इस मेजरमेंट आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करना क्या है, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिए। दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेजरमेंट आईडी हमने कॉपी कर ली है, अब हम वापस से जाएंगे गूगल साइट में, ये जो हमने प्रीव्यू कर रखा था पब्लिश करके, इसको तो हम क्लोज कर देंगे। हम जाएंगे गूगल साइट में, ये हमारी वेबसाइट, गूगल साइट में जाने के बाद
हमें ऊपर यहाँ पे देखने को मिलेगा सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग पे क्लिक करना है दोस्तों हमें। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद हमें एनालिटिक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एनालिटिक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो मेजरमेंट आईडी हमने वहां से कॉपी की थी यहाँ पेस्ट कर देनी है। जैसे ही हम इसे पेस्ट करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक ब्लू टिक हो जाएगा, सिंपल से हमें क्रॉस कर देना है। क्रॉस करने के बाद दोस्तों हमें कर देना है इसको पब्लिश। ध्यान से दोस्तों ये पब्लिश करना बहुत जरूरी है लास्ट में। जैसे आप पब्लिश करेंगे ये आ जाएगा रिटर्न टू एडिटर, मतलब कि कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, मतलब ये ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ये सेट हो चुका है। अब इस वेबसाइट पर जितना भी ट्रैफिक आया है, एक्चुअली ये काम क्या करता है, गूगल एनालिटिक्स का जो मेजरमेंट आईडी था वो मेजरमेंट आईडी इस वेबसाइट पे पड़ चुका है। अब गूगल एनालिटिक्स का जो अकाउंट होता है, ये हमारा जो अकाउंट है, ये हमारा अकाउंट को पता चलता रहता है उस वेबसाइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि उसकी मेजरमेंट आईडी इससे कनेक्ट हो चुकी है, तो उसको ट्रैक हो जाता है कि उस वेबसाइट पे कितने लोग क्लिक करके उस वेबसाइट पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पे हमें वो पूरा शो कर देगा डेटा कि कितने कितने लोग, कितने कितने व्यूज डेली उस वेबसाइट पे आ रहे हैं, और बाय लोकेशन भी ट्रैक करके बताता है कि कहाँ से क्लिक हो रहा है, कहाँ से किस बंदे ने देखा है। तो मैं अपनी पुरानी वेबसाइट जो मैं पहले ही डाल रखा था उसको आपको दिखा देता हूँ, माई साइट नाम से होम पे आ जाता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ कैसे ये ट्रैक करता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा कि कितनी तारीख को कितने यूजर आपकी वेबसाइट पे आए, ठीक है। इस प्रकार से आप बाद में ट्रैक कर सकते हैं। तो आगे अगर और आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए गूगल एनालिटिक्स के बारे में, कमेंट कर देना, उसके बारे में भी हम वीडियो बना देंगे। दोस्तों अब हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में।